अमेरिका के ह्यूस्टन में ऐतिहासिक रैली करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। आज प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन समिट में हिस्सा लेंगे और देर रात लीडर्स डायलॉग में भी अपनी बात रखेंगे। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी लीडर्स डायलॉग में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। अन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठकों के अलावा पीएम मोदी अगले 3 दिनों तक महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके बाद 27 सितंबर को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका के ह्यूस्टन में बीती शाम दुनिया ने नमो क्रांति का दीदार किया। भारत और अमेरिका के बदलते रिश्तों की तस्वीर का दीदार किया, ट्रंप और मोदी की दोस्ती का दीदार किया सबने। अमेरिका की सरजमी पर राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के मेहमान बन गए। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साथ मिलकर आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान भी किया। ये जो माहौल है ये अकल्पनीय है। जी हाँ, ह्यूस्टन अमेरिका में हुए हाउडी मोदी इवेंट को जिस किसी ने भी देखा उसकी जुबान पर कुछ ऐसे ही शब्द जरूर आए होंगे। यहाँ दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में हाथ डाले ऐसे चले कि हर कोई बस देखता रह गया। ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ने भारत अमेरिका के बदलते रिश्तों की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे टफ नेगोशिएटर कहते हैं, लेकिन वो खुद भी द आर्ट ऑफ द डील में माहिर है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई हैव कम टू ह्यूस्टन टू सेलिब्रेट एवरीथिंग दैट यूनाइट्स अमेरिका एंड इंडिया, आवर शेयर्ड ड्रीम्स एंड ब्राइट फ्यूचर्स। आई हैव आल्सो कम टू एक्सप्रेस माय प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू द नियरली 4 मिलियन अमेजिंग Indian Americans all across our country. You enrich our culture. You uphold our values. You uplift our communities, and you are truly proud to be American, and we are proud to have you as Americans. हालांकि हाउडी मोदी इवेंट अमेरिकी सरजमी पर आयोजित किया गया था, लेकिन 50,000 से ज्यादा भारतीयों के बीच डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के मेहमान बनकर पहुंचे, लिहाजा मोदी ने भी आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप की आवभगत करने में देरी नहीं लगाई। इसके बाद तो पूरे इवेंट में ट्रंप और मोदी की जबरदस्त बॉन्डिंग का नजारा बार बार देखने को मिला। मंच पर पहुंचते ही ट्रंप ने मोदी के हाथों को ऐसे उठाया मानो बिना कुछ कहे ही वो बताना चाहते थे कि मेजबान मैं नहीं प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसके बाद भी पीएम मोदी के संबोधन के दौरान लगातार ट्रंप मुस्कुराते रहे, कई बार उन्होंने ताली भी बजाई। पीएम मोदी ने आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान की साजिश का जिक्र करते हुए कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और 70 साल बाद इतिहास रचे जाने का जिक्र किया, तो ट्रंप भी भारतीय समुदाय के 50,000 लोगों के बीच तालियां बजाते नजर आए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी अपने संबोधन में अमेरिका के विकास को लेकर भारतीयों के योगदान की तारीफ करना नहीं भूले। ट्रंप ने कहा, भारतीय लोगों का अमेरिका में होना सौभाग्य की बात है। सीधे शब्दों में कहें तो ह्यूस्टन का हाउडी मोदी इवेंट ऐसा मंच बना जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों और दोस्ती को ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी नई मजबूती मिलेगी। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मकसद रखने वाले भारत के लिए अमेरिका से ऐसी दोस्ती ताजगी और रफ्तार का टॉनिक साबित होगी। ह्यूस्टन अमेरिका से अदिति त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।